नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाड़ा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। 100 साल तो सब तो वड्डी हड़ां नाल जूझ रही केरल दी मदद लई संयुक्त अरब अमीरात अते मालदीव समेत कई देश सामने आ रहे ने, लेकिन केंद्र सरकार ने मौजूदा नीति दा हवाला दिंदियां घरेलू इंतजामां तों ही राहत कारजां करन दी गल कही। विदेशी मदद कबूलन तों केंद्र दे इस इनकार ते राजनीति गरमा गई है। केरल सरकार ने विदेशी सरकारां तों चंदा स्वीकार ना करन दे केंद्र दे फैसले ते नाराजगी प्रगट कीती है। केरल दे मुख्यमंत्री पी विजयन अते उत्थों दे विरोधी धिर कांग्रेस ने विदेशां तों मदद स्वीकार करन दी छूट देण दी मंग कीती है। विजयन ने आख्या कि यूएई केरला वासियां दा दूजा घर है, उसकी मदद स्वीकार भी की जा सकती है, जरूरत पैण तां नियम बदले जा सकते ने। यूएई ने 700 करोड़, मालदीव ने 35 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। कतर ते थाईलैंड ने भी राहत कामां विच सहायता की इच्छा प्रगटाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कह के विदेशी सरकारां दी मदद लैण तों इनकार कर दिता है कि देश विच पुख्ता राहत समगरी अते साधन उपलब्ध ने। दरअसल 2004 विच सुनामी तों बाद विदेशी मदद इसे आधार ते लैण तों मना कीता जांदा रहा है। थाईलैंड दे राजदूत वल्लों भारत दे इनकार वाले रवैये दा जिक्र कीते जाण तों बाद सियासत गरमा गई। केंद्र सरकार ने आख्या कि विदेशों में रह रहे भारतीय जेकर केरल की मदद करना चाहते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री राहत फंड विच राशि भेज सकते हैं। केरल में हड़ां नाल होए तबाही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 400 लोगों की मौत हो चुकी है, अरबां की जायदाद का नुकसान हो चुका है, 10 लाख लोग बेघरे हो चुके हैं। केरल में हड़ां के इस भयानक रूप का जिम्मेदार कौन है, इसनूं लेके बहस शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि घट दबाव का खेत्र बनने के करके मानसून के बदल केरल में अटक गए थे, पहाड़ियों नाल टकरा के उत्थे वर गए। मन्ने परमन्ने मानसून माहर माधव गॉडगिल नूं याद करिए तां उन्हां आख्या कि कई साल पहला केरल नूं सुधर जाण जां फिर अंजाम भुगतण की चेतावनी दित्ती सी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी पछमी घाट से वसे सूबियां नूं कुदरत नाल छेड़छाड़ ना करन की चेतावनी दित्ती सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपनी एक रिपोर्ट विच इसे वल इशारा किया सी कि केरल नूं एक ऐसा सूबा करार दिता जावे जो जल संसाधन दे प्रबंधा विच देश दे सब तो लापरवाह अते पछड़िया सूबा सी। मैगासासे पुरस्कार विजेता डॉक्टर रजिंदर सिंह ने दस्सिया कि उन्हां ने केरल सरकार नूं 2015 विच आख्या सी कि ओह अपनियां नदियां नूं बचा लैण, वरना किसे भी समय सूबे विच वड्डी तबाही दा सामना करना पै सकदा है। उन्हां आख्या कि केरल दीआं नदियां ते मनमाने तरीके नाल ते नजायज़ कब्जे भारी पए ने। सूबे विच 44 विचों कोई ऐसी नदी नहीं जिस नूं किसे इलाके विच कब्जा ना कीता होवे। उन्हां आख्या कि उद्योग अते भवन इत्थे वसा दित्ते आ, निर्माण कम्मां विच प्लास्टिक दा बेहद प्रयोग हुंदा है, प्लास्टिक नदियां दे कंढिआं ते जमा हो रिहा ते नाल ही नदियां विच जम्मी गाद ने भी समस्या ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਛਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।